बॉलीवुड के लगातार फ्लॉप होने पर छलका भूलभुलैया 2 के डायरेक्टर का दर्द। आखिर बॉलीवुड को दे डाली कौन सी नसीहत कि एक बार फिर से भूलभुलैया 3 से मचाएंगे तहलका। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं सोनिका जयाल। दोस्तों, आमिर खान की लाल सिंह चड्ढा और अक्षय कुमार की रक्षाबंधन दोनों ही 11 अगस्त को रिलीज हुई और दोनों ही फ्लॉप होती दिख रही है। ऐसे में बहुत तरह के रिएक्शन आ रहे हैं और अब जब भूलभुलैया 2 के डायरेक्टर से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने अपना रिएक्शन दिया और कहा कि उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है इस बात का। साथ ही उन्होंने बॉलीवुड को एडवाइस भी दे डाली। अनीस बज़मी ने कहा, हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हमें अच्छी क्वालिटी की फिल्में बनाने की ज़रूरत है। ऑडियंस को 5 से 10 साल पहले जो पसंद आता था वो अब पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि अब उनके पास दुनिया भर के सिनेमा के ऑप्शंस हैं। महामारी के दौरान उन्होंने फ्री में घर में बैठ कर सब कुछ देखा है। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि वो घर से निकल कर फिल्म की टिकट खरीदें और इसके लिए आपको कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा ताकि वो सिनेमा और थिएटर की तरफ खींचे चले आए। आपको बता दें, बॉलीवुड और टॉलीवुड की कंट्रोवर्सी को लेकर अनीस बज़मी ने कहा, मुझे इस बात में कोई दम नहीं लगता, दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री कई सालों से चल रही है और अच्छी फिल्में बना रही है। साउथ में हिंदी फिल्मों के रीमेक बनते हैं, बॉलीवुड में साउथ फिल्मों के रीमेक बनते हैं। अगर आप 3 हिट फिल्में और 14 फ्लॉप फिल्मों की बातें कर रहे हैं तो ये बेसलेस है, क्योंकि हर साल भारत में 200 फिल्में बनती हैं और केवल 5 से 7 ही हिट हो जाती हैं। तो इस बार वो 3 फिल्में साउथ से हैं, वो अच्छी फिल्में थी और हमारी फिल्में नहीं चली, बस यही बात है। आपको बता दें, अनीस बज़मी के डायरेक्शन में बनी भूलभुलैया 2 में कार्तिक आर्यन, कियारा और तब्बू थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही और इसने 181 करोड़ का कलेक्शन किया। इस शानदार कलेक्शन के बाद मेकर्स ने अब तैयारी कर ली है भूलभुलैया 3 की और एक बार फिर से कार्तिक और कियारा की जोड़ी इस फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। अनीस बज़मी ने भी कमर कस ली है। इसके अलावा अनीस बज़मी सलमान खान स्टारर नो एंट्री 2 को भी डायरेक्ट करने वाले हैं, तो इसका भी ऑडियंस को बेसब्री से इंतज़ार है। आप कितना वेट कर रहे हैं भूलभुलैया 3 का, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसी तरह के दूसरे अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल पॉलीग्राड स्टूडियोज़ को।